नाउ नेक्स्ट टॉपिक वुड बी लैंड रिसोर्सेज। हमारे लैंड रिसोर्सेज क्या हैं? अब हमने ये तो बात कर ली कितने टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, एक ब्रीफ डिस्कशन हमने इस बारे में कर लिया है। हमने ये भी डिस्कशन कर लिया कि इंडिया में रिसोर्सेज की प्लानिंग किस कैसे की जाती है। अब कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं, बेसिक रिसोर्सेज, जो हम बार बार और हमेशा इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लैंड, वाटर, सोयल, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट मीन्स नेचुरल वेजिटेशन। सो देर आर सम रिसोर्सेज, कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको हम रेगुलर इस्तेमाल करते हैं और ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं रिसोर्सेज की टाइप्स में। सो द फर्स्ट वन इज लैंड रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्स ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। अब क्योंकि हमें पता है कि जितनी भी चीजें हमें मिलती हैं, चाहे वो जानवर हों, चाहे वो हम इंसान हैं, आयरन है, कॉपर है, कोई भी मेटल है, कुछ भी, कोई भी संसाधन जो हमें मिलता है वो हमें लैंड पे ही मिलता है। कुछ परसेंट फ्यूल ऑयल जो है हमें पानी ओशंस में भी मिलता है, बट 98% जो रिसोर्सेज हैं हमें लैंड से ही मिलते हैं। सो लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, मतलब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई रिसोर्स हमारे लिए है ही नहीं, क्योंकि हम रह भी धरती पे ही सकते हैं। सो अगर हम ही नहीं कहीं रह पाएंगे तो हम बाकी रिसोर्सेज का क्या करेंगे। सो लैंड हैज द अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस लैंड की जो है वो हमारी अर्थ पे है। अब इसका क्लासिफिकेशन कुछ ऐसे किया हुआ है, अगर हमारे कंट्री की बात करें तो वर्ल्ड की बात करें तो 43% ऑफ द लैंड इज प्लेन्स, 27% ऑफ द लैंड इज प्लैट्यूज। सो इंडिया का जो, सॉरी, दिस पाई चार्ट आई हैव मेड अबाउट इंडिया, सो दिस डिस्क्राइब्स इंडिया लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, कि इंडिया में लैंड की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से की गई है। 30% इज माउंटेन्स ऑफ द टोटल लैंड, 30% ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स इज माउंटेन्स, 27% ऑफ 3.28 किलोमीटर्स इज प्लैट्यूज, एंड 43% ऑफ दैट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इज प्लेन्स। सो नेचुरल रिसोर्सेज है लैंड एक, और अटमोस्ट इंपॉर्टेंस का है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में लैंड की ही है। इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स। बेसिकली देखा जाए तो ज्यादातर चीजें लैंड ही सपोर्ट करता है। जंगल में पेड़ जो होते हैं वो भी लैंड के ऊपर हैं, जंगली जानवर जो हैं वो भी धरती के ऊपर रहते हैं, हम इंसान जो हैं वो भी धरती के ऊपर रहते हैं, मींस लैंड के ऊपर, नॉट अर्थ प्लैनेट, मींस द लैंड। और जितनी भी ट्रांसपोर्ट या कम्युनिकेशन सिस्टम है वो भी लैंड के ऊपर हैं, या हमारी कोई भी एक्टिविटी है वो ज़्यादातर, मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज टेक प्लेस ऑन द लैंड ओनली। सो वॉट इज इट्स यूज एंड यूटिलाइजेशन, लैंड का हम किस तरह से यूज और यूटिलाइजेशन करते हैं। फॉरेस्ट में करते हैं, लैंड विच इज नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन इज नोन एज बैरन एंड वेस्ट लैंड, लैंड यूज इन बिल्डिंग्स, रोड्स एंड फैक्ट्रीज। तो लैंड्स का हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं, जंगल भी हैं लैंड में, कुछ वेस्ट लैंड भी हैं जहाँ पे खेती नहीं की जा सकती, कुछ लैंड ऐसा है जो बिल्डिंग्स, रोड्स और फैक्ट्रीज को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इज कुछ अदर कल्टिवेटेड लैंड है, फॉर एग्जाम्पल पास्चर्स। पास्चर्स हिंदी में चरागाह, इन्हें हिंदी में चरागाह कहते हैं, जो जंगली जानवरों के चरने की जगहें होती हैं उन्हें पास्चर्स कहते हैं। तो कुछ हिस्सा लैंड का उसमें भी है। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स, जिनका दे डू नॉट एक्वायर अ मेजर एरिया बट दे स्टिल कैन बी काउंटेड। कल्टरेबल वेस्ट लैंड इज, ये वो हिस्सा है लैंड का जिसको 5 साल से ज्यादा पीरियड के लिए अनकल्टिवेटेड या बिना खेती किए छोड़ दिया हो। फैलो लैंड, करंट फैलो मीन्स लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर लेस देन वन ईयर। अब ये करंट फैलो लैंड वो है जो 1 साल या उससे कम समय के लिए बिना खेती के या बिना किसी इस्तेमाल के छोड़ दिया गया हो। अदर फैलो लैंड है जो 1 साल से 5 साल के समय में बिना किसी इस्तेमाल के छोड़ दिया गया हो।
नेक्स्ट इज नेट सोन एरिया. हम ये जो डिस्कशन कर रहे हैं ये हमारे इंडिया में हम लैंड को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं. सबसे पहले हमने डिस्कशन किया फॉरेस्ट कि कुछ हिस्सा हमारे इंडिया के लैंड का जो है वो जंगलों में है, उसको हम इस्तेमाल नहीं करते, वो सिर्फ जंगल है. हम वी कैन जस्ट से कि हाँ हमारे इंडिया के एरिया का इतना परसेंट एरिया फॉरेस्ट है. सेकेंड कैटेगरीज में थी जो द लैंड विच इज नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन, या इस्तेमाल के लिए जो लैंड हमारे पास यूज हम मीन्स खेती करने के लिए जो लैंड हमारे पास नहीं है, वो लैंड जिस पे खेती हो नहीं सकती, और वो एरिया जिस पे हमने बिल्डिंग्स रोड्स एंड फैक्ट्रीज बना ली है. नेक्स्ट था अदर कल्टिवेटेड लैंड फेलो लैंड. नाउ नेट सोन एरिया, एरिया सोन फॉर मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया. अब बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां पे एक साल में एक से ज्यादा बार खेती की जाती है, जैसे चावल गेहूं सब्जियां हो गई बीच बीच में, तो उस एरिया टोटल कितनी बार उस एरिया को सो किया गया या उस पर खेती की गई, दैट इज नेट सोन एरिया. नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इन द चैप्टर इज लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, कि हमारे देश हमारे भारत देश में लैंड यूज का पैटर्न कैसे है, इसको कैसे डिटरमाइन किया जाता है. फिजिकल फैक्टर से डिटरमाइन किया जाता है, जैसे कि टोपोग्राफी. टोपोग्राफी मींस लेआउट. लेआउट का यहां पे क्या मतलब है कि वहां पे नक्शा हम कह सकते हैं कि उस एरिया का नक्शा. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पूरे कंट्री की बात करें तो उसमें हम ये बात करेंगे कि इतना एरिया रेजिडेंशियल है, इतना कमर्शियल है, इतना एरिया फॉरेस्ट के लिए है. सो दैट इज द टोपोग्राफी ऑफ अ लैंड ऑफ एन एरिया. क्लाइमेट, कि उस एक एरिया का मौसम कैसा रहता है, उस हिसाब से भी लैंड यूसेज पैटर्न चेंज हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट राजस्थान, वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी है इसलिए वहां का लैंड कम इस्तेमाल किया जाता है. एंड इफ वी टॉक अबाउट हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश, दीज एरियाज हैव मच फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन, सो दीज एरियाज आर यूज मोर. सॉयल टाइप्स, वहां की मिट्टी किस प्रकार की है, क्या वो खेती के लायक है, क्या वो फर्टाइल है कि नहीं, या वहां पे वाटर अवेलेबिलिटी है कि नहीं. नेक्स्ट इज पॉपुलेशन डेंसिटी. अब ये कंपैरिजन हम छोटे शहर बड़े शहर और गांवों का कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल गांव में पॉपुलेशन कम होती है, शहरों में उससे ज्यादा होती है, और मेट्रो सिटीज में उनसे भी ज्यादा होती है. तो ये कंपैरिजन ऐसे किया जा सकता है कि वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे है, उस डेंसिटी के हिसाब से लैंड का यूज डिटरमाइन किया जाएगा. क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा रेजिडेंशियल एरिया होगा, उतना ही ज्यादा इंडस्ट्रीज बनेंगे, और खेती के लिए क्रॉप्स के लिए लैंड कम बचेगा. नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी. टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी का मतलब है कि वहां पे रिसोर्सेज को अवेलेबल कराने के लिए किस टाइप की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है. फॉर एग्जांपल इफ वी कंपेयर दिल्ली विद एनी सर्टेन विलेज, अब दिल्ली के मुकाबले किसी भी गांव में टेक्नोलॉजी कम अवेलेबल होगी, इसलिए लैंड यूसेज पैटर्न जो है गांव में कम होगा और एक शहर में ज्यादा. कल्चरल ट्रेडिशंस, अब कल्चरल ट्रेडिशन से यहां मतलब है कि अगर वहां के कल्चर के हिसाब से लोग बड़े बड़े घरों में रहते हैं, या ऐसा पैटर्न है कि खेती ज्यादा करते हैं लोग और सर्विसेज में कम है, तो ये कल्चरल ट्रेडिशंस भी इस चीज को इफेक्ट करते हैं कि लैंड का यूज किस एरिया में कैसा होगा. नेक्स्ट इज 93% ऑफ द टोटल 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इज अवेलेबल. अब जो टोटल 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है उसमें से 93% जो लैंड है वो ही हमारे पास अवेलेबल है, और इसमें से हमने निकाल क्या दिया है, मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, असम को छोड़ के बाकी जितने स्टेट्स हैं, फॉर एग्जांपल अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड मेघालय, इन स्टेट्स को हमने एक्सक्लूड किया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में से, क्योंकि ये लैंड कम यूज बिकॉज ऑफ द रग्ड टेरेन, वहां रहने की कंडीशंस इतने अच्छे नहीं है इसलिए ये लैंड कम यूज किया जा सकता है. नेक्स्ट इज पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान ने हमसे छीन लिया है उस एरिया को हम एक्सक्लूड कर देते हैं. एंड नेक्स्ट इज पीओसी, चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर.
कुछ हिस्सा कश्मीर का चाइना ने भी हमसे छीन लिया था, उस एरिया को भी हम इस 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में से निकाल देते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इन द चैप्टर इज टाइप्स ऑफ सोयल्स। लैंड की हम बात कर रहे हैं तो सॉयल की बात करनी बनती है। सो दिस इज दैट इज व्हाई लैंड एंड सॉयल इज द रीजन वी आर टॉकिंग अबाउट सोयल्स जस्ट आफ्टर द लैंड बिकॉज दे आर इंटरकनेक्टेड बिकॉज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ लैंड इज नोन एज सोयल। सो देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ सॉयल। फर्स्ट इज एल्यूवियल सॉयल, इट इज मोस्ट वाइडली स्प्रेड, ये सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है, सबसे ज्यादा पाई जाती है हमारे इंडिया में, एंड इट कंसिस्ट ऑफ सैंड सिल्ट एंड क्ले। इसमें सैंड सिल्ट मतलब जो नदियों के बहाव से जो बचे हुए रेत के कण आते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। ब्लैक सॉयल, जैसा कि नाम से ही हमें दिख रहा है, ब्लैक इन कलर, ऑल्सो नोन एज रेगर सॉयल्स, इसको रेगर सॉयल्स भी बोलते हैं। और ये कहाँ पाई जाती है? डेक्कन। डेक्कन एरिया वो है जो नर्मदा नदी से नीचे वाला एरिया है, वहां पे ये सॉयल ज्यादातर पाई जाती है। रेड एंड येलो सॉयल्स, इट इज फाउंड इन एरियाज ऑफ क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स। ये जो मिट्टी है क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स वाले एरिया में पाई जाती है। क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स जो है वो छत्तीसगढ़ और कर्नाटका के कुछ एरियाज में हमें मिलेंगे, आंध्र प्रदेश में भी ये मिट्टी मिलती है। लेटराइट सॉयल फाउंड इन द एरिया विद हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। लेटराइट सॉयल जो है वो ऐसे ह्यूमिड और ऐसे एरियाज में मिलती है जहां पर रेनफॉल भी बहुत ज्यादा होती है और जहां का टेम्परेचर भी काफी ज्यादा रहता है पूरे साल। लो कंटेंट बिकॉज ऑफ डीकम्पोजर्स और बिकॉज ऑफ द ह्यूमिड एंड ह्यूमिड टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल देर आर अ लॉट ऑफ डीकम्पोजर्स इन द सॉयल। सो इट हैज लो कंटेंट लाइक एज कम्पेयर टू एल्यूवियल सॉयल, इट हैज सैंड सिल्ट एंड क्ले, इट हैज लो कंटेंट, इट इज सुटेबल फॉर कल्टिवेशन ऑफ मेन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। ये ऐसी मिट्टी है जो मेन्योर्स और फर्टिलाइजर्स को उगाने के लिए काफी बढ़िया है। नेक्स्ट इज अरिड सॉयल्स। अरिड होता है हार्श, अगर इसका हम मीनिंग समझे, इट इज हार्श। हार्श सैंड इन टेक्सचर, सैंडी इन टेक्सचर आई वुड से, सैंडी इन टेक्सचर, सलाइन नेचर, रेड टू ब्राउन। सैंडी इन टेक्सचर रेत जैसे कण वाली ये मिट्टी होती है। सलाइन नेचर नमकीन, सलाइन होता है खारा, तो ये मिट्टी खारी होती है इसलिए इसमें कोई भी फसल नहीं उग सकती। रेड टू ब्राउन इन कलर, कुछ जगहों पे ये ब्राउन भी होती है, कुछ हल्के लाल रंग की ये मिट्टी पाई जाती है। और ये मिट्टी ज्यादातर राजस्थान के एरियाज में ही पाई जाती है या डिजर्ट वाले एरियाज में ही पाई जाती है। नेक्स्ट इज फाउंड इन एरिया ऑफ ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर एंड लो रेनफॉल। ये मिट्टी जो है उन एरियाज में सबसे ज्यादा मिलेगी जहां पे क्लाइमेट बहुत ड्राई होगा, जहां पे वाटर वेपर्स बहुत कम होंगे हवा में, वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता होगा और साल भर की एनुअल रेनफॉल बहुत ही कम होती होगी। एंड नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज फॉरेस्ट सॉयल्स, फाउंड इन हिली एंड माउंटेनियस एरियाज। अब ये मिट्टी जो है फॉरेस्ट सॉयल जिसे हम कहते हैं वो ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है जहां पे घने जंगल पाए जाते हैं। टेक्सचर वेरीज अकॉर्डिंग टू द माउंटेन एनवायरमेंट। जो मिट्टी का टेक्सचर है, मिट्टी की जो कंटेंट्स हैं, जो क्वालिटी है, वो वहाँ के एरिया और एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है और वेरी भी करती है। इट इज लोमी। लोमी मीन्स स्लिपरी एंड सिल्टी विद सिल्ट। सिल्ट होती है रेत जो बहुत सारी नदियाँ हैं जो अपने साथ बहा कर ले आती हैं। तो यहाँ की मिट्टी जो है वो काफ़ी स्लिपरी और काफ़ी सिल्ट से भरी मिक्स्ड अप होती हैं और ये जो है वैलीज में ज़्यादा पाई जाती हैं। एंड नेक्स्ट इज कोर्स ग्रेन्ड इन अपर स्लोप्स एंड बिग पार्टिकल्स। अब जो पहाड़ों का ऊपरी हिस्सा होता है वहां पे इस रेत के बड़े बड़े पार्टिकल्स मिलते हैं, दानेदार मिट्टी वहां ऊपर की होती है। सो यहाँ पे हमने क्या बात की कि एक अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करें तो जो वादियों का इलाका है या जो निचले पहाड़ होते हैं वहां पे ये मिट्टी काफी स्लिपरी और रेत से भरी होती है। और इसके कंपेरिजन में इसके ऑपोजिट जैसे ही हम बात करते हैं पहाड़ों की चोटी की, वहां पे ये मिट्टी कोर्स मींस बिग पार्टिकल्स, ग्रेन्ड मतलब गेहूं के दाने जैसे पार्टिकल्स। तो पहाड़ों की चोटियों की तरफ ये मिट्टी काफी मोटे दाने वाली और गेहूं के दाने जैसी मिट्टी ये
पाई जाती है. सो दिस वॉज द चैप्टर रिसोर्सेज, चैप्टर 1 ऑफ क्लास 10th ज्योग्राफी बुक. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. थैंक यू. वी विल डिस्कस द नेक्स्ट चैप्टर.